नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। बहुत से लोगों के नवरात्र से संबंधित प्रश्न हैं, तो देखिए नवरात्र शब्द है या नवरात्रि शब्द है, अथवा देखें जैसे इसी बार ले लीजिएगा, अब आने वाली नवरात्रि जो है, ये जो नवरात्र हैं ये 8 दिन के हैं, तो क्या 8 दिन की, जब कभी कभी नवरात्र 8 दिन के और कभी कभी 10 रात्र के भी हो जाते हैं, 10 दिन के हो जाते हैं, तो क्या हम जो अष्टरात्र या दशरात्र भी कह सकते हैं कि 9 दिन के हों तभी नवरात्र कहना चाहिए, क्या ये ऐसा क्या विवेचन है, तथा नवरात्र में किस तरीके से पूजन आदि का विधान है, कैसे पूजन करें, नवरात्र में कई कार्य होते हैं, पूजन भी होता है, पाठ होता है, जप होता है, हवन होता है ना, और न्यास आदि और भी कृत्य कई होते हैं, तो इनमें प्रधान क्या है, कम से मुख्य क्या कार्य है, तो इसके बारे में देखें। देखिए आचार्य कात्यायन जी का एक वार्तिक है, संख्या पूर्वम रात्रम किलीबम, ये जो संख्या पूर्व हो जिसमें ऐसे जो शब्द होते हैं द्विगु समास वाले, तो वो ऐसे में रात्रि शब्द नपुंसक लिंग में चलता है, तो नवरात्रम त्रिरात्रम अष्टरात्रम ऐसे शब्द बनेगा, पंचरात्रम नवरात्रि ही ऐसे स्त्रीलिंग में ऐसे शब्द नहीं चलेंगे, मुख्य रूप से बात यह है, तो हम लोगों को शुद्ध शब्द का प्रयोग नवरात्रम हिंदी में भले नवरात्र ऐसे प्रयोग करना चाहिए। कह रहे हैं कि कभी दिन बढ़ जाए घट जाए तो क्या व्यवस्था है, बोले कि यहाँ भले ही 8 दिन के जो है नवरात्र हो, चाहे 10 दिन का नवरात्र हो, वो नवरात्र ही है 9 दिन का, क्यों कि यहाँ रात्रि शब्द, अत्र रात्रि शब्द तिथि पर है, ये तिथि परक है, रात्रि शब्द रात्रि नवरात्र माने 9 तिथि, ये सब धर्म सिंधु काल निर्णय सिंधु काल बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को कहते हैं, और ये व्यावहारिक भी है, आप देख भी सकते हैं कि इन्हीं दिनों में 9 तिथि आ जाना चाहिए, कभी तिथि घट जाती है बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो तिथि का क्षय हो गया तो वो तिथि है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई, या वृद्धि हो गई किसी तिथि की तो वो अब वो पूरे दिन जो है 24 घंटे आज और कल के 24 घंटे वही तिथि रहेगी, ऐसा नहीं होता कभी भी, तिथि वृद्धि के और तिथि ह्रास के, हमारे यहाँ गणित भेद से दृग गणित और सौर गणित के भेद से 2 निर्णय है, बाण वृद्धि रसक्षय, ये जो है सौर गणित का सिद्धांत है कि कोई भी तिथि बाण वृद्धि यानी 10 घटी बढ़ सक 5 घटी बढ़ सकती है और रसक्षय 6 घटी घट सकती है, और दृग गणित वालों का सिद्धांत है कि 10 वृद्धि रसक्षय, रस वृद्धि 10 अक्षय, रस वृद्धि हो सकती है यानी 6 घटी तक कोई तिथि बढ़ सकती है और 10 घटी तक घट सकती है, ये सिद्धांत है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही वो तिथि हो गई तो उसी को माना जाएगा, वैसा वो तिथि पूरे दिन तक रहेगी, वो सूर्य काल को तिथि उसको वृद्धि कहते हैं, जो तिथि 2 सूर्योदय का स्पर्श कर लेती है उस तिथि को वृद्धि तिथि कहते हैं, और कोई तिथि 1 भी सूर्योदय का स्पर्श नहीं कर पाती है, अर्थात सूर्य उदय काल में नहीं होती है, बाकी की रहती है,
तो उसको क्षय तिथि कह लेते कहते हैं। यूं समझिए सरल शब्दों में कि कोई भी तिथि ज्यादा से ज्यादा जो है 5 घटी बढ़ सकती है अथवा 6 घटी बढ़ सकती है, और यानी कि वो 65 या 66 घटी तक जा सकती है, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और क्षय का कोई या तो 50 घटी तक रह सकती है या जो है 54 घटी तक पहुंच सकती है, बस इतना ही घटती है, इससे ज्यादा नहीं घटती है, ये क्रम है। तो तिथि बढ़ जाए घट जाए कैसी भी स्थिति बन जाए वो ये तिथि तो तिथि पर आती रहेगी, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया। किसी दिन ऐसा होता है कि 2 तिथि हो जाती है, किसी दिन जो है लिखा जाता है कि वो तिथि की वृद्धि हो जाती है, तब भी तिथि तो प्रतिपदा से नौमी तक यही तिथि रहेंगी। तो इनकी व्यवस्था है कि तिथि यदि बढ़ जाए तो उसी दिन उनका जो है पूजन कर देना चाहिए, और तिथि जो है बढ़ जाती है तो वही पूजन 2 दिन चलना चाहिए। देखिएगा धर्म सिंधु कार ने लिखा है, एतेन नवरात्रे पूजई व प्रधान मुपवासादि तो अंगम इति गम्यते। यद्यपि देवी के पूजन नवरात्र आदि में बहुत से कार्य हैं, पूजन व्रत जप तप उपवास पाठ हवन आदि कार्य हैं, लेकिन इन सभी कार्यों में मुख्य रूप से भगवती का पूजन ही प्रधान है और सभी कार्य अंग हैं। एतेन नवरात्रे पूजा एव प्रधानम उपवासादि तु अंगम, उपवास पाठ ये सब अंग कृत्य हैं, प्रधान कृत्य है भगवती का पूजन। तो पूजन बड़े विधि विधान से विधि पूर्वक इस नवरात्र में होना चाहिए। तिथि राशे तु तिथि द्वय निमित्तम पूजादि, यदि तिथि का ह्रास हो जाए किसी दिन, तिथि घट जाए, एक ही दिन में 2 तिथि माननी पड़े, जैसे इस बार है 8 दिन के नवरात्र हैं, तो जिस दिन तिथि घट गई है उस दिन डबल पूजन करे, 2 बार पूजन करे, एक पूजन करके और फिर उस तिथि के निमित्त भी उसी दिन पूजन होना चाहिए। महालय श्राद्ध वक्त एक दिने आवृत्या कार्यम, जैसे कोई तिथि घट जाती है तो लिखा रहता है कि पंचमी का भी आज श्राद्ध है और षष्ठी का भी श्राद्ध है, तो उसी दिन दोनों का श्राद्ध होता है। अगर किसी का 2 दिन श्राद्ध करना होता है तो दोनों का श्राद्ध उसी तिथि में होगा, 2 बार होगा। तो इसी प्रकार तिथि घटने पर उसी दिन भगवती का पूजन होना चाहिए। और वृद्धौ तद्वदेवावृत्ति ही, और अगर वृद्धि हो गई तो उसी का आज जैसे पूजन हुआ वैसे ही कल भी होगा, उसी की आवृत्ति करना चाहिए, इस तरीके का विधान है। तो नवरात्र में मुख्य रूप से क्या है, व्रत का मुख्य है पूजन, नवरात्र में मुख्य रूप से भगवती का विधिवत पूजन होना चाहिए। अब कैसे क्या करें, नवरात्र का पूजन आदि का विधान क्या है, तो इस पर विचार करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के 3rd स्कंद के 26वें अध्याय में प्रारंभ में जन्मेजय ने प्रश्न किया हुआ है कि नवरात्रे तो संप्राप्ते किम कर्तव्यम द्वयोत्तम विधानम विधिवत ब्रूहि शरत काले विशेषतः, कि नवरात्र के प्राप्त होने पर उसमें क्या विधि विधान है, कैसे पूजन करना चाहिए, हे द्वयोत्तम उस विधि विधान को विशेष प्रकार से बतलाइए, खास रूप से शरद काल की, क्योंकि इसी शरद ऋतु में मुख्य रूप से पूजन होता है। तो फिर जो है भगवान व्यास ने जन्मेजय को समझाते हुए बतलाया है कि प्रातर नित्यम पुरः कृत्वा द्विजानाम वरणम तथा अर्घ्यपाद्यादिकम सर्वम कर्तव्यम मधुपूर्वकम, अपना नित्य कर्म करके संध्या वंदनादि जो भी नित्य कर्म है ब्रह्म यज्ञ आदि वो सब नित्य कर्म करके फिर ब्राह्मणों का वर्णन करें जिनसे पाठ पूजन आदि कराना है,
अर्घपाद्य आदि मधुपर्क आदि पूर्वक उनका वर्ण करना चाहिए। वस्त्रालंकारणादीनि देयानि च स्वशक्तितः वित्त साष्ठ्यम न कर्तव्यम विभवे सति करेचित। यदि अपना वैभव हो, जितना आपकी शक्ति सामर्थ्य है उसमें फिर कंजूसी नहीं करना चाहिए, वस्त्र अलंकार आदि ला करके और उनसे युक्त पूजन आदि करे और ब्राह्मण आदि को दे करके वरण करे। विप्रैः संतोषितैः कार्यं संपूर्णं सर्वथा भवेत् नव पंचत्रयश्चैको देव्याः पाठे द्विजाः स्मृताः। इस तरीके से ब्राह्मणों को संतोषित करके और फिर यो है ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। ब्राह्मणों की वर्ण संख्या कह रहे हैं नव, नौ ब्राह्मणों को रखे, पांच, तीन या एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को वर्ण करना चाहिए। इसके बाद भगवती का पूजन करना चाहिए विधिवत। शंख चक्र गदा पद्म धरा सिंहे स्थिता शिवा अष्टादश भुजा वापी प्रतिष्ठाप्या सनातनी। भगवती दुर्गा जी का शंख चक्र गदा पद्म आदि को धारण किए हुए सिंह पर विराजमान अष्टादश भुजा भगवती का जो है विग्रह स्थापित करे, स्वर्णमय रजतमय या जो है मृणमय चित्रमय, और भी भगवती के कई रूप हैं, चतुर्भुजी अष्टभुजी इत्यादि रूपों की स्थापना करके और फिर उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। जिनका वेद मंत्रों में स्वतः अधिकार है वे वेद मंत्रों से, और जिनका पौराणिक मंत्रों में अधिकार है वे पौराणिक मंत्रों से, और अपने अपने अधिकारानुसार पूजन करें। स्त्री शूद्र और अनुपनीत भी भगवती का पूजन अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, पौराणिक मंत्र आदि का अथवा ब्राह्मण के द्वारा जो है उन मंत्रों को बुला करके और फिर पूजन करा सकते हैं। और भी अंत्यज आदि जो लोग हैं वे लोग भी मन से मानसिक या अपने जो मिट्टी इत्यादि की मूर्ति बना करके पार्थिवमयी भगवती की मूर्ति बना करके और भगवती का अर्चन करें। चारों वर्ण ही स्त्री शूद्र अनुपनीत आदि सभी के द्वारा भगवती का अपने वैभव के अनुसार पूजन होना अति अनिवार्य है और बाद में हवन करना चाहिए। भगवती के पूजन में हमारे यहाँ कई प्रकार के कुंडों का वर्णन है। श्रीमद् देवी भागवत में कहते त्रिकोण कुंड बना करके भगवती का अर्चन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। होमार्थम चैव कर्तव्यम कुंडम चैव त्रिकोणकम स्थंडलंबा प्रकर्तव्यम त्रिकोणम मानतः शुभम। देखिएगा, और भगवती का पूजन सामर्थ्य हो तो त्रिकाल पूजन करना चाहिए, प्रातःकाल पूजन और मध्यान्ह में पूजन और भोग आदि, और सायंकाल को पूजन पूर्वक आरती शयन आदि कराना चाहिए। त्रिकालम पूजनम नित्यम नाना द्रव्यैर मनोहरैः गीतवादित्र नृत्यैश्च कर्तव्यश्च महोत्सवः। और गीतवाद इत्यादि करके, गीतवादन करके रात्रि में भी और खूब प्रथम प्रहर द्वितीय प्रहर को निकाले अथवा कई दिन में बताया गया है, आगे बतलाएंगे, जागरण इत्यादि भी करने का विधान है। इस प्रकार महोत्सव का भरपूर योगदान देते हुए उसको अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मनाना चाहिए। और इन काल में नित्यम भूमौ च शयनम कुमारीनां च पूजनम वस्त्रालंकार वस्त्रालंकरणैर दिव्यैर भोजनैश्च सुधामयैः। इस प्रकार नित्य भूमि पर शयन करे, कुमारियों का पूजन करे। कुमारी का पूजन कैसे करना है, किसको कैसे करना है, इसका भी आगे विवरण बतलाएंगे। वस्त्र अलंकार आदि से लोगों को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को, दीन और अनाथों को संतुष्ट करना चाहिए। और व्रत का क्या विधान है तो वो देखिएगा आप अगली वीडियो में, कि व्रत 9 दिन जो व्रत नहीं कर सकते तो वे कितने दिन तक व्रत करें और कैसे कैसे करें। ठीक है जी, हर हर महादेव।